subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, algebraic limits, जब आप solve करेंगे तो कुछ question आपको इस तरह से देखेंगे जो एक standard formula से solve. So, वो standard formula क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, उसे हम standard limit भी कह सकते हैं. So, algebraic limits में जो four type of question है वो है limits from some standard formulas, जिनमें से एक standard formula मैं आपको बता देता हूँ. The formula is limit extending to a, x minus n, x to the power n minus a to the power n upon x minus a. और इसका आंसर क्या होगा, इसकी लिमिट क्या होगी, n into a to the power n minus 1. आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको दिया हुआ हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एंड x to the power n minus a to the power n upon x minus a, ये अगर आपको सिचुएशन दी हुई है तो आप डायरेक्ट इसकी लिमिट लिख सकते हैं n into a to the power n minus 1. अब इसे यूज कैसे करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे जब हम इस फॉर्मूला को, इस स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूं. सी नाउ, अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, नाउ x to the power 4 minus 3 to the power 4 upon me x minus 3. अब आप यहां देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले से देखेंगे तो यहां पर x की जगह तो x है, यहां भी x है एंड यहां भी x है, as you can see. इसके अलावा a की जगह यहां पे क्या है, 3, n की जगह यहां पे क्या है, n की जगह है 4. तो आप यहां पर जब इसे देखेंगे इस तरीके से कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x माइनस n अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, जरा फॉर्मूले से इसे कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर जब आप कराएंगे तो एज यू कैन सी दिस इज 4 एंड दिस इज x x x x x यहां पर है, और उसी तरह यहां पर अगर आप देखें दिस 3 की जगह a है यहां पे. तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, इसकी लिमिट, जब इसकी लिमिट क्या होती है, n into a to the power n minus 1, तो यहां पे n की जगह 4 है, 4 into a की जगह क्या है 3, और 3 की पावर 4 minus 1, दैट इज 4 into 3 की पावर 3, दैट इज 4 into 27, ये आप लिख लेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन. तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करना है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं. नाउ सी द एग्जांपल. एग्जांपल है इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2. अब इसका हमें फाइंड आउट करना है कि लिमिट क्या होगी, तो एज यू कैन सी लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 2 एंड x टू द पावर 10 है माइनस 1024 अपॉन में x माइनस 10. अब आप नीचे की तरफ देखें, x माइनस a होता है, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड लिमिट के, x माइनस a. अब x तो है, a की जगह क्या है 2 है, तो ऊपर भी यहाँ 2 होना चाहिए, और x के ऊपर पावर n यानी कि यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर 2 पे भी पावर n यानी कि 10 होनी चाहिए. अब क्या 1024 क्या होता है, जब आप 1024 के फैक्टर करेंगे तो 2 टू द पावर 10 आता है. तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एज इट इज रहेगी. नाउ x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन में x माइनस 2. अब स्टैंडर्ड लिमिट से अगर आप कंपेयर करें, a की जगह 2 है, n की जगह 10 है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं n यानी कि 10 a टू द पावर यानी 2 टू द पावर 10 माइनस 1, दैट इज 10 into 2 टू द पावर 9, और 2 पर पावर 9 कितनी होती है, दैट इज 512, दैट इज इक्वल टू 5120. तो ये लिमिट यहां आ गई है. मैं और एग्जांपल आपको बताता हूं, एज यू कैन सी दिस एग्जांपल, द एग्जांपल इज इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 एक्सटेंडिंग टू 9 अपॉन x माइनस 9, और न्यूमरेटर में क्या x टू द पावर 3/2 माइनस 27. अब आप यहां देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x माइनस 9, यानी कि अगर x माइनस a से कंपेयर कराएं तो a इज इक्वल टू 9 है यहाँ पे, ऊपर x टू दी पावर 3/2 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए 27, 9 टू दी पावर 3/2 होना चाहिए,
और 27 को 9 टू द पावर 3 बाय 2 लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है सी, ठीक है, 9 यहां पर क्या होता है, 27 को क्या लिखूंगा मैं 3 टू द पावर 3, और अब मैं क्या कर देता हूं 3 का स्क्वायर कर देता हूं, तो 3 का मैंने स्क्वायर किया है तो मुझे यहां पर क्या होगा 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कराना होगा लाइक दिस, ताकि 3 चेंज ना। अब मैं क्या करता हूं 3 के स्क्वायर को 9 लिख देता हूं, जो पावर हाफ थी ये पावर हाफ जो है बाहर की तरफ मैंने लिख दी, तो ये क्या हो गया, दिस इज 9 टू द पावर 3 बाय 2, यानी 27 को 9 टू द पावर 3 बाय 2 लिखा जा सकता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9 टू द पावर 3 बाय 2। नाउ दिस लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू 9, ये हमें गिवन था। अब जरा कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे स्टैंडर्ड लिमिट से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन, एन यहां पर क्या है 3 बाय 2 और ए क्या है 9, और 9 टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 1 जो कि कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 बाय 2 इंटू 9 टू द पावर हाफ, और 9 टू द पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, और आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो दिस इज 3 बाय 2 इंटू दिस 3। नाउ दिस इज इक्वल टू 9 बाय 2, तो 9 बाय 2 यहां पर लिमिट आ गई। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं ताकि इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज आप अच्छे से कर सकें। नाउ सी दिस, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर क्या है, मैं हाईलाइट कर देता हूं एग्जांपल को। इवेलुएट करना है आपको एग्जांपल को एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, ये आपको गिवन है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर अगर देखा जाए तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक साथ। अब अगर मैं कंसिडर करूं न्यूमरेटर को एक्स टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम अपॉन में एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन, अब इन्हें दो अलग अलग मैं क्वेश्चंस में डिवाइड कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स माइनस ए से डिवाइड कराइए, तो मैं लिख देता हूं नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स माइनस ए, क्यों करा रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। नाउ सी दिस कम्स आउट टू बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम अपॉन में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये आ गया। अब मैं इन्हें दोनों को इंडिविजुअल लिमिट दे देता हूं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैंने आपको बताया था जब दो अलग अलग फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो दोनों के पास अपनी अपनी लिमिट आ जाती है, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम अपॉन में एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। अब जरा आप न्यूमरेटर को अगर देखें तो न्यूमरेटर में एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आई कैन राइट न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं यहां पर पावर क्या है m और a a ही है तो a पर पावर क्या आ जाएगी m माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें तो ये तो सीधा फॉर्मूला ही बन गया डिनोमिनेटर में, ये आपने स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला है, तो इसे आप क्या लिखेंगे n into a to the power n minus 1, और दैट कैन बी रिटन एज m by n a to the power m minus 1 minus n minus 1, ये आपका आ जाएगा। जो फर्दर सॉल्व करने पे m by n a to the power यहां पर आ जाएगा m minus n, ये आपका आ जाएगा फाइनल लिमिट। नाउ एक और एग्जांपल, ताकि और क्लियर हो जाए आपको ये कॉन्सेप्ट, तो मैं एक और एग्जांपल यहां पे बताता हूं। द एग्जांपल इज इवेलुएट लिमिट एक्सटेंडिंग 27 x टू द पावर 1 by 3 अब प्लस 3 x टू द पावर माइनस 1 by 3 3 अपॉन एक्स माइनस 27, तो एक किस तरह से जो है सॉल्व होगा मैं आपको बता देता हूं। नाउ अब मैं थोड़ा जल्दी से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे मैं क्या लिख देता हूं एज इट इज, जैसे लिखा हुआ x टू द पावर टेंस टू 27। नाउ x टू द पावर 1 बाय 3 प्लस 3 x टू द पावर 1 बाय 3 माइनस 3 अपॉन x माइनस 27। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं न्यूमरेटर में जो दो चीजें दी हुई उनकी मल्टीप्लाई करा देता हूं। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह क्या है x टू द पावर 1 बाई 3, b की जगह 3 है, तो यहां पर अगर मैं यहाँ पे लगाऊं दिस कैन बी x टू द पावर 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 27। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर 10 टू 27 x टू द पावर
कितना हो जाएगा 2 बाई 3 माइनस 3 टू दी पावर 2 और x माइनस 27। नो अब आप यहां पे देखें x टू दी, अगर इसे कंपेयर कराऊं लिमिट x टेंस टू a x माइनस a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n के फॉर्मूले से, तो यहां पर a की जगह क्या है, अगर आप देखें a की जगह 27 है, यहां भी बस ऊपर x की जगह यहां पर ये है और n की जगह कितना है, n की जगह है 2 बाई 3, तो यहां 2 बाई 3 है, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, इस जगह पर 27 और यहां पर कितना होना चाहिए 2 बाई 3। अब आप देखें यहां पर मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 को बिल्कुल 27 के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ 3 को अगर आप लिखें 3 इज इक्वल टू द 27 टू द पावर 1 बाई 3, ये भी होता है 27 का क्यूब रूट, और 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर 1 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 27 टू द पावर 2 बाई 3, वो मैं यहां रख देता हूं। तो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज x टेंडिंग टू 27 x 2 बाई 3 माइनस 27 2 बाई 3 x माइनस 27, ये आपका आ जाएगा। और फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 बाई 3, n की जगह 2 बाई 3 है n आगे और a की जगह 27 है, तो 20 दिस इज 27, तो 27 टू द पावर 2 बाई 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 बाई 3 और 27 पे पावर कितनी आ जाएगी माइनस 1 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाएगा, क्योंकि नीचे मैं लेके आऊंगा माइनस 1 बाई 3 है, तो 2 अपॉन में 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 9, तो 2 अपॉन में 9 यहां पर आंसर आ गया। अब कुछ और हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एल्जेब्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, एल्जेब्रिक लिमिट्स को।